Hello friends, welcome back to our channel. Today we are going to discuss the basic elements of Python part 2. In this we will be talking about tokens and comments. So in the previous session we already discussed some basic elements of Python. Then today we are going to discuss literals and other main basic elements of Python. So what is literal? A literal is a number or string that appears directly in a प्रोग्राम. तो किसी भी प्रोग्राम में अगर कोई नंबर या स्ट्रिंग डायरेक्टली अपीयर हो रहे हैं तो उसको हम लिटरल बोलते हैं. तो अगर हम लिटरल की बात करते हैं तो लिटरल हमारे काफ़ी फोर टाइप्स के होते हैं. सो इट कैन बी न्यूमेरिक, स्ट्रिंग, बूलियन और स्पेशल. सो न्यूमेरिक लिटरल क्या होते हैं? न्यूमेरिक लिटरल कैन बी ऑफ फोर टाइप्स: इंटीजर लिटरल, लॉन्ग लिटरल, फ्लोटिंग पॉइंट लिटरल एंड कॉम्प्लेक्स लिटरल. सो इंटीजर लिटरल कैन बी अ इंटीजर नंबर दैट कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव. ठीक है, अब ये जो नंबर्स हैं ये हमारे स्मॉल नंबर्स हैं. अगर ये हमारी जो रेंज है इसकी काफ़ी लॉन्ग हो जाए तो हम लॉन्ग लिटरल पे चले जाते हैं. सो अगर हम यहाँ पे एक नंबर देख रहे हैं दैट इज 5367890435775, सो इट कैन बी वेरी बिग नंबर. तो इसको हम इंटीजर के केस में नहीं रख सकते हैं तो हम किस में आ जाएंगे? लॉन्ग लिटरल के केस में आ जाएंगे. एंड दैट कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल एल एंड कैपिटल एल जो कि हम एक नंबर के एंड में रखते हैं. तो यहाँ पर जो हमने नंबर रखा है इसका सफिक्स क्या होगा? कैपिटल एल और वी कैन यूज स्मॉल एल हियर. देन फ्लोटिंग पॉइंट लिटरल क्या हो जाएंगे? फ्लोटिंग पॉइंट लिटरल कैन बी अ नंबर दैट इज यूजिंग अ डेसिमल नंबर और द एक्सपोनेंशियल वैल्यू. सो अगर मैं डेसिमल नंबर यूज कर रही हूँ सो इट कैन बी 3.14, इट कैन बी अ फ्लोटिंग पॉइंट नंबर और रियल नंबर. और उसी तरह से 52.5e-2, इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? सो ई बेसिकली क्या रिप्रेजेंट करता है? पावर ऑफ 10. सो इसको हम लिख सकते हैं 52.5 मल्टीप्लाई 10 रेज टू द पावर माइनस 2. देन देयर इज अ कॉम्प्लेक्स लिटरल आल्सो. इन सी और सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग कॉम्प्लेक्स लिटरल को सपोर्ट नहीं करता है, बट पाइथन के अंदर हमारे पास ये भी एक लिटरल है जिसकी हेल्प से हम काफ़ी कॉम्प्लेक्स प्रोग्राम्स भी बना सकते हैं. सो अगर हम ए प्लस बी आई की फॉर्मेट में कोई भी नंबर लिखते हैं सो दैट इज 5 + 7i, सो दिस कैन बी अ कॉम्प्लेक्स नंबर. और वी कैन राइट -6 + 2i, सो इट कैन बी अ पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर. देन इंटीजर एंड लॉन्ग हैव नो लिमिट टू देयर साइज. इंटीजर और लॉन्ग का कोई भी लिमिट नहीं है साइज पर, वो कुछ भी हो सकता है. बट फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स की लिमिटेड रेंज भी है बट विद लिमिटेड प्रिसीजन ऑल्सो. सो प्रिसीजन इज वॉट के वो एक्यूरेसी क्या होती है, कितनी एक्यूरेसी तक, कितना एक्यूरेट वो रिजल्ट आपको बता रहा है. तो उस केस में जो रेंज है फ्लोटिंग पॉइंट की दैट इज 10^-3 टू 10^+3 एंड द प्रिसीजन इज 16 to 17 डिजिट्स. इट मीन्स कि जो भी आपका नंबर है उसके पॉइंट के बाद वो 16 to 17 डिजिट्स की आपको एक्यूरेसी देता है. देन देयर कैन बी अ स्ट्रिंग लिटरल ऑल्सो. सो स्ट्रिंग लिटरल इट मीन्स कि अ स्ट्रिंग कैन अपीयर्स डायरेक्टली इन अ प्रोग्राम. सो इट कैन बी अ सिंगल कोटेड, डबल कोटेड और ट्रिपल कोटेड स्ट्रिंग लिटरल. ये हमारी थ्री टाइप्स की होती है. सिंगल कोटेड के केस में हम सिंगल कोट्स के अंदर किसी भी स्ट्रिंग को रख सकते हैं, डबल कोटेड के अंदर हम डबल कोट्स के अंदर रख सकते हैं और ट्रिपल कोटेड के अंदर हम ट्रिपल कोट्स के अंदर रखते हैं. हम तीनों में डिफरेंसेस क्या हैं ये देखते हैं. सो फर्स्ट है हमारा सिंगल कोटेड एंड डबल कोटेड. इन दोनों में पाइथन के अंदर कोई भी डिफरेंस नहीं है. सी और सी प्लस प्लस में इसमें डिफरेंस रहता है कि अगर हम सिंगल कोट यूज कर रहे हैं तो हम कैरेक्टर्स को रखते हैं और डबल कोट्स में हम स्ट्रिंग रखते हैं, बट पाइथन में ऐसा नहीं है. पाइथन के अंदर हम सिंगल और डबल कोट्स में दोनों में ही स्ट्रिंग को रखते हैं. देन ट्रिपल कोटेड हमारा मल्टी लाइन के लिए है. अगर मैं मल्टी लाइन स्ट्रिंग चाहती हूँ तो उस केस में मैं ट्रिपल कोट्स यूज करती हूँ. देन अब ये यूज क्यों करते हैं? आप क्वेश्चन हो सकता है व्हाई वी यूज सिंगल कोटेड एंड डबल कोटेड इफ बोथ आर सेम. ठीक है ना, उस केस में हम एक इलस्ट्रेशन लेते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं. जैसे कि हमारा एग्जाम्पल है ही सेज आई रीड न्यूज पेपर नेम टाइम्स ऑफ इंडिया. अब आप देखेंगे कि आपका जो
कोट है वो क्या है कि जिसमें हम डबल कोट्स भी यूज कर रहे हैं और सिंगल कोट भी यूज कर रहे हैं। अगर मैं यहाँ पे डबल कोट्स और डबल कोट्स दोनों ही जगह यूज करूंगी तो मैं यहाँ पे इसको डिस्टिंग्विश नहीं कर सकती हूँ। तो हम क्या यूज करेंगे, यहाँ पे हम एक जगह सिंगल कोटेड यूज कर लेंगे और एक जगह हम डबल कोटेड यूज कर लेंगे। तो ये काफी ईजी हो जाएगा पाइथन के लिए भी कि कहाँ पर हम सिंगल कोट यूज कर रहे हैं, कहाँ डबल कर रहे हैं। अगर ये हमारा मल्टी लाइन है तो हम मल्टी लाइन तो यूज करेंगे ट्रिपल कोटेड, लेकिन ट्रिपल कोटेड के अंदर हम सिंगल और डबल भी यूज कर सकते हैं। तो कोई भी एक ऐसा स्टेटमेंट है जहां पे सिंगल कोटेड और डबल कोटेड दोनों ही यूज हो रहे हैं तो हम उसको ट्रिपल कोटेड के अंदर रख सकते हैं। तो ये काफी हेल्पफुल है जब हम हमारे सेंटेंसेस ऐसे होते हैं जिसके अंदर कोट्स ऑलरेडी अवेलेबल है। देन देयर इज अ बुलियन लिटरल ऑल्सो। सो बुलियन लिटरल मीन्स इट कैन बी अ वैल्यू ट्रू और फॉल्स। तो जहां पर हमें ट्रुथ वैल्यूज के बारे में बात करनी होती है वहां पर हम बुलियन वैल्यूज की होल कंसीडर करते हैं। सो दे आर यूज्ड टू रिप्रेजेंट ट्रुथ वैल्यूज। सो अगर मैं चेक करना चाहती हूँ कि कैसे हम इसको रखेंगे, सो इफ वी हैव अ वेरिएबल ए जिसके अंदर मैंने एक स्ट्रिंग लिया है हेलो, ठीक है। अब यहाँ जो हेलो है मैं चेक करना चाहती हूँ कि हेलो के अंदर जितने भी अल्फाबेट्स हैं वो सारे अल्फाबेट्स ही हैं। तो मैं यहाँ पर एक फंक्शन यूज करती हूँ इज अल्फा, दैट इज अ फंक्शन ऑफ स्ट्रिंग, है ना। स्ट्रिंग का एक फंक्शन है इज अल्फा। तो मैंने ये स्ट्रिंग लिखा, स्ट्रिंग इज हेलो। सो ये हेलो किसके अंदर है, एक वेरिएबल के अंदर, दैट इज ए डॉट इज अल्फा। सो इफ द स्ट्रिंग इज ट्रू और द स्टेटमेंट इज ट्रू वी कैन, जो हमें आंसर मिलेगा दैट इज ट्रू, अदरवाइज आंसर इज फॉल्स। सो इट चेक्स ऑल द कैरेक्टर्स इन अ वेरिएबल ए इज अल्फाबेट्स, इफ यस इट रिटर्न्स ट्रू अदरवाइज फॉल्स। देन देयर इज अ स्पेशल लिटरल ऑल्सो। सो देयर स्पेशल लिटरल मीन्स अगर हमें कोई भी वैल्यू प्रोवाइड नहीं की जाती है वेरिएबल की, या हम कोई भी वैल्यू प्रोवाइड करना नहीं चाहते हैं, तो उस टाइम तक के लिए हम एक स्पेशल लिटरल यूज कर लेते हैं जिसकी वैल्यू होती है नन, दैट इज कैपिटल एन ओ एन ए, जहां पर हम नन की वैल्यू नन को रखते हैं। सो नन की कोई वैल्यू नहीं है तो हमने क्या साइन किया, एक्स। एक्स एक वेरिएबल है जिसमें हमने नन लिखा। सो इट मीन्स हमने एक वेरिएबल जरूर लिखा है, एक जरूर हमने एक वेरिएबल स्टोर किया है, लेकिन हमें उसकी ये नहीं पता है कि अभी वो किस टाइप का है, ठीक है। सो यहाँ पर हम एक स्पेशल लिटरल को यूज कर रहे हैं। देन देयर इज अनदर टोकन दैट इज कीवर्ड। सो कीवर्ड इज समवॉट कि जहां पर हमारे किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कुछ हमारे प्री डिफाइंड मीनिंग होते हैं। जैसे हमने देखा था डेफ, डेफ एक कीवर्ड था जो बता रहा था कि डेफ क्या है, दैट इज यूज टू डिफाइन अ फंक्शन। सो दीज आर ऑल्सो नोन एज रिजर्व वर्ड्स। सो कीवर्ड्स कैन नॉट बी यूज फॉर नेमिंग आइडेंटिफायर। सो कीवर्ड्स को हम आइडेंटिफाई को नेम करने के लिए यूज नहीं कर सकते हैं, और जितने भी कीवर्ड्स हैं हमारे वो केस सेंसिटिव हैं। अगर इसका मतलब है कि अगर मैंने डेफ स्मॉल में लिखा था DEF, तो उसको मैं कैपिटल में लिखूंगी तो उसको एक आइडेंटिफायर बन जाएगा, ना कि वो कीवर्ड रहेगा, ठीक है। अब हमारे 3.8 वर्जन के अंदर काफी कुछ 33 कीवर्ड्स हैं। सो उस केस में हम कैसे याद रख सकते हैं, सो सम कीवर्ड्स आर यूज्ड एज अ बूलियन। सो दीज कीवर्ड्स आर ट्रू एंड फॉल्स। देन सम इज स्पेशल, सो दैट वी यूज नन। सम आर यूज एज अ कंट्रोल स्ट्रक्चर। सो कंट्रोल स्ट्रक्चर के केस में सी में भी आपने पढ़ रखा होगा, इफ एल्स व्हाइल फॉर ब्रेक कंटिन्यू रिटर्न, है ना। यहाँ पे एक और ऐड होता है एलिफ। सो एलिफ मीन्स इफ एल्स। सो एल्स इफ का जो केस होता है उसको हम एलिफ बोलते हैं। देन सम कीवर्ड्स आर यूज एज अ एक्सेप्शनल हैंडलिंग, सो दैट आर ट्राई एंड फाइनली। देन सम आर यूज एज लॉजिक फंक्शन, सो दैट कैन बी और एंड एंड नॉट। सम आर यूज एज फंक्शन, सो डिफाइन। सो डेफ इज अ कीवर्ड दैट इज यूज टू डिफाइन अ फंक्शन। क्लास है तो क्लास को डिफाइन करने के लिए हम क्लास कीवर्ड यूज करेंगे। वेरिएबल्स, वेरिएबल्स में हम बता सकते हैं स्कोप को कि उसका जो स्कोप है दैट इज ग्लोबल और लोकल, सो दैट कैन बी नॉन लोकल और ग्लोबल। अगर हमें कोई भी लाइब्रेरी इंपोर्ट करनी है पाइथन के अंदर तो उसके लिए हम इंपोर्ट कीवर्ड को यूज करेंगे। और कुछ कीवर्ड्स हैं जो हम जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे हम बताएंगे आपको कि दीज आर ऑल कीवर्ड्स, वो कहाँ पर उनका यूज है, ठीक है। देन आइडेंटिफायर। सो आइडेंटिफायर क्या होता है, सो इन आइडेंटिफायर एक ऐसा नेम है
जिसको हम वेरिएबल को आइडेंटिफाई करने के लिए, फंक्शन को आइडेंटिफाई करने के लिए, क्लास को, मॉड्यूल को, या किसी भी ऑब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करने के लिए दे सकते हैं। तो अगर मुझे एक वेरिएबल का नेम मेंशन करना है, सो वेरिएबल नेम इज सम। सो सम क्या है, जो कि प्री डिफाइंड नहीं है, पाइथन के अंदर किसी ने भी उसको प्री डिफाइंड वेरिएबल में नहीं डाला है, सो दैट इज नॉट अ कीवर्ड। सो इट मीन्स कि एक यूजर डिफाइंड नेम जो होता है उसको हम एक आइडेंटिफायर बोल सकते हैं। अब उसकी कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं। एन आइडेंटिफायर स्टार्ट्स विद अ लेटर ए टू जेड, कैपिटल और स्मॉल, और एन अंडरस्कोर, फॉलोड बाय जीरो और मोर लेटर्स, अंडरस्कोर्स एंड डिजिट्स 0 to 9। तो हमारा जो आइडेंटिफायर है वो स्मॉल ए टू जेड हो सकता है, कैपिटल ए टू जेड हो सकता है, एक अंडरस्कोर सिंबल को हम यूज कर सकते हैं एज अ फर्स्ट लेटर। उसके बाद हमारे या तो जीरो टू मोर लेटर्स, मतलब जीरो भी हो सकता है कि आगे हमारे लेटर्स ना हो, एक सिंगल कैरेक्टर से ही हम उसको रिप्रेजेंट कर रहे हो, या फिर हमारे पास नंबर ऑफ लेटर्स तो हो बट उसमें हम अंडरस्कोर, डिजिट्स और मोर लेटर्स को आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। देन पाइथन डज नॉट अलाउ पंक्चुएशन कैरेक्टर्स। पाइथन के अंदर सिर्फ हम अंडरस्कोर सिंबल को यूज करते हैं एज ए आइडेंटिफायर, इसके अंदर कोई भी पंक्चुएशन कैरेक्टर यूज नहीं होता है। देन केस इज सिग्निफिकेंट, ये हमने पहले ही बताया था, पाइथन इज अ केस सेंसिटिव लैंग्वेज, सो लोअर एंड अपर केस लेटर्स आर डिस्टिंक्ट हियर। सो सम एग्जाम्पल्स आर सम, टोटल मार्क्स, फर्स्ट नेम, देन अंडरस्कोर मैंने पहले यूज किया है नेम, एंड एवरेज अंडरस्कोर 10। सो दीज आर ऑल वैलिड आइडेंटिफायर जिसको हम अपने प्रोग्राम के अंदर यूज कर सकते हैं। देन ऑपरेटर्स, ऑपरेटर आर अगेन अ टोकन। तो टोकन होते हैं, तो ऑपरेटर्स क्या होते हैं, ऑपरेटर्स वो कंस्ट्रक्ट्स होते हैं जो कि हमारे ओपोनेंट्स की वैल्यू में चेंजेस परफॉर्म कर देते हैं। जैसे कि अगर मैंने एक नंबर लिखा हुआ है, एक वेरिएबल यूज किया हुआ है ए, ठीक है, ए लिखा, ठीक है, जिसमें हमारी कुछ वैल्यू थी 4, दूसरा हमारा बी था जिसकी वैल्यू थी हमारी 3, तो उस केस में अब एक ऑपरेटर होगा जो इसकी वैल्यू को चेंज कर सकता है। तो प्लस अगर मैं यूज कर रही हूँ, सो प्लस क्या करेगा, इनकी वैल्यूज को चेंज करके क्या कर सकता है, ए की वैल्यू में ए प्लस बी कर सकती हूँ। सो ए की वैल्यू में मैं अगर ए प्लस बी करती हूँ, सो दैट मीन्स ए की वैल्यू क्या हो जाएगी चेंज होने के बाद, दैट इज 7। सो इट मीन्स कि जो ऑपरेटर्स होते हैं वो उनकी वैल्यूज को, ओपोनेंट्स की वैल्यू को मैनिपुलेट करने के लिए यूज होते हैं। सो इट कैन बी सम बेसिक ऑपरेटर्स आर प्लस, माइनस, देन मल्टीप्लाई, देन डिवाइड, ठीक है, ये हमारे कुछ बेसिक है। लेकिन इसके बाद जो पाइथन है वो काफी सारे ऑपरेटर्स को सपोर्ट करता है। सो दीज आर ऑल अरिथमेटिक, असाइनमेंट, कंपैरिजन, लॉजिकल, यूनरी, बिट वाइज, मेंबरशिप एंड आइडेंटिटी। तो इसको एक बार देख लेते हैं, बाकी डिस्कस में इसको अलग एक वीडियो में करूंगी। सो अरिथमेटिक ऑपरेटर्स जनरली क्या होते हैं, जो कि हमारे बेसिक हैं, जैसे प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड, मॉड्यूलो, देन एक्सपोनेंशियल एंड फ्लोर डिवीजन। देन असाइनमेंट ऑपरेटर्स हैं जो कि असाइनिंग पर्पज से यूज होते हैं, कंपैरिजन, अगर मुझे टू वेरिएबल्स में कंपैरिजन करना है या स्ट्रिंग में कंपैरिजन करना है तो हम यूज करेंगे। लॉजिकल है, तो हम अगर एड दो को ऐड करना चाहते हैं या फिर हम देखना चाहते हैं कि दोनों हमारे स्टेटमेंट्स ट्रू हैं या नहीं, तो उस केस में हम लॉजिकल ऑपरेटर्स को यूज़ करते हैं। यूनरी ऑपरेटर में हमारा एक सिंपल माइनस आता है, मान लीजिए हमारे पास एक वैल्यू है, दैट वैल्यू इज ए, ठीक है, ए की वैल्यू अभी हमारे पास है, ए की वैल्यू है हमारे पास 6, ठीक है, ए की वैल्यू है 6। अब मैं क्या करना चाहती हूँ कि बी की वैल्यू में मैं क्या करना चाहती हूँ, माइनस ए। सो इट मीन दिस इज अ यूनरी ऑपरेटर। यूनरी ऑपरेटर का सेंस क्या होगा कि ए की वैल्यू वो चेंज कर देगा, सो दैट इज माइनस ए। सो दिस इज बेसिकली अ यूनरी ऑपरेटर। देन बिट वाइज ऑपरेटर, यूनिटी ऑपरेटर क्या होते हैं, जो एक ही ऑपरेंट पर अप्लाई होते हैं। सो बिट वाइज ऑपरेटर आर जो कि हमारी बिट्स पर अप्लाई होते हैं। मेंबरशिप ऑपरेटर, हम देखेंगे कि कोई भी हमारा जो फंक्शन है या जो भी वेरिएबल है वो हमारी एक सीक्वेंस में आता है या नहीं। तो अगर हम देखना चाहते हैं कि जो 1 है वो हमारी एक लिस्ट है उसमें आता है या नहीं, सो हम कह सकते हैं 1 in 1, 2, 3 and 4। सो हमारे पास एक लिस्ट है जो कि है 1, 2, 3, 4। तो हम देखना चाहते हैं कि जो 1 है दैट कैन बी प्रेजेंट इन अ लिस्ट और नॉट। अगर 1 प्रेजेंट है इट मीन्स यस
otherwise no. So these are all membership ऑपरेटर्स. देन आइडेंटिटी ऑपरेटर. सो आइडेंटिटी ऑपरेटर में हम चेक करते हैं कि वो पर्टिकुलर जो वेरिएबल है या जो भी हम यूज कर रहे हैं दैट इज ऑफ टाइप दिस एंड दैट. जैसे अगर हमने लिया 5, तो 5 इंटीजर टाइप का है या नहीं है. सो दैट इज अ आइडेंटिटी, हम चेक कर रहे हैं उसकी आइडेंटिटी को. तो उसके लिए हम यूज करते हैं आइडेंटिटी ऑपरेटर. ठीक है. देन इज पंक्चुएटर्स और डिलिमिटर्स. सो पाइथन के अंदर हम काफी सारे सिम्बल्स या उनके कॉम्बिनेशन को यूज करते हैं. तो हमारे ये काफी स्टेटमेंट्स में यूज होते हैं, स्ट्रिंग में, एक्सप्रेशन में, या फिर हमारे पास और भी डेटा स्ट्रक्चर है जो पाइथन में यूज होंगे, जैसे कि लिस्ट, डिक्शनरी एंड टपल. ये हम आगे देखेंगे कि डेटा टाइप्स क्या होते हैं जिसमें हम इनको यूज करेंगे. सो दीज आर पर्टिकुलर सिम्बल्स जो कि यूज होते हैं पाइथन के अंदर, इनको हम बोलते हैं पंक्चुएटर्स और डिलिमिटर्स. देन कमेंट्स. सो कमेंट्स मैंने आपसे डिस्कस किया था. सो कमेंट्स आर नॉट एग्जीक्यूटेबल स्टेटमेंट इन अ प्रोग्राम. इट कैन बी एडेड टू डिस्क्राइब द स्टेटमेंट्स इन पाइथन प्रोग्राम. देन कमेंट्स मेक द प्रोग्राम इजिली रीडेबल एंड अंडरस्टैंडेबल बाय द प्रोग्रामर एज वेल एज अदर यूजर हु आर सीइंग द कोड. द इंटरप्रेटर सिंपली इग्नोर्स द कमेंट्स. In Python, hash sign that is not inside a string letter will begin a comment. So, अगर मुझे comment start करना है तो मैं hash symbol से start कर सकती हूँ. So, all character following the hash and up to the end of line are part of the comment. तो hash से जो भी मैं start करूँगी वहाँ से मेरा comment start हो जाएगा. So, comments are basically of two types. First is a single line comment and second is a multi-line comment. अब single line comment क्या होता है, जो कि single एक ही line में हम mention कर रहे हैं. So that is hash single line comment in Python. So अब ये जो statement मैंने लिखा हुआ है, so this is a comment. अभी second जो है that is print hello sci com then hash prints a line. तो इसका comment कहाँ से start होगा, जहाँ से hash symbol mention किया है. ये आपका एक statement है जो कि execute होगा और उसके बाद ये कमेंट है जो कि एग्जीक्यूट नहीं होगा. देन कमेंट्स कैन बी मल्टी लाइन. सो मल्टी लाइन के अंदर हम ट्रिपल कोट से ही मेंशन करते हैं, हमारा हैश सिंबल हम यहाँ पर यूज नहीं करते हैं. तो इस तरह से हमारे ये कमेंट्स हो गए. सो दीज आर ऑल टोकन्स एंड कमेंट्स. सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो. इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम यू कैन आस्क अस. वी विल बी वेरी हैप्पी टू आंसर यू. डू स्टे ट्यून्ड विद आवर चैनल एंड For the videos, have a very good day ahead. Thank you very much.